हाँ स्टूडेंट, हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 26 स्टार्ट कर दिए थे लास्ट क्लास में, ज्वाइनिंग वर्ड्स एंड बट और। ये तीनों जो वर्ड है एंड बट और, इसके हेल्प से हम लोग 2, 3, 4 सेंटेंस को यूज मतलब जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एंड के यूज से, बट के यूज से और के यूज से। तो ऑलरेडी हम लोग क्लास में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली टुडे आई एम द मेकिंग सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सेकेंड पार्ट। ओके, टर्न टू नेक्स्ट पेज नाउ। Fill in the blanks with and or but, मतलब and से और से और but से आपको इतनी सारी fill up है, इसको आपको fill up करना है blanks को। Shoaib went to the bakery, Shoaib बेकरी की दुकान में गए। He asked for a chocolate cake, उन्होंने चॉकलेट केक के लिए पूछे। A patty and some cookies, पैटी एंड कुकीज उनको चाहिए था, एंड से हम लोग जुड़े सम कुकीज, लास्ट वाला जो थिंक होगा उसके पहले हम लोग एंड जोड़ेंगे, बाकी सारे को हम लोग कॉमा से ऐड कर सकते हैं। ही ऑल्सो वांट अ पाम केक बट इट वॉज नॉट देयर, उनको और पाम केक भी उनको चाहिए था बट वो क्या नहीं थे। सो बट यूज करके हम लोग बता सकते कि क्योंकि उधर वो चीज नहीं थे, सो बट उस जगह में हम लोग यूज कर सकते हैं, बल्कि वो नहीं है, एक जैसे नहीं होगा, ऑपोजिट आंसर हो जाएगा, बट इट वॉज नॉट देयर। द बेकर सेड टू हिम, बेकर उनको बोले डू यू वांट टू ईट द पैटी, मतलब पैटी को अभी इधर ही खाएंगे, और शुड आई पैक इट, नहीं तो हम पैक कर दे। Shoaib said, I will take it home and eat later. And eat मतलब खाना, eat means जो पैटी के लिए बोल रहे हैं कि आप इधर खाएंगे कि ले जाएंगे। सो Shoaib ने बोली कि नहीं, मैंने इसको बाद में खाऊंगा, आप दे दीजिए पैक करके, ऐसे उनका बोलना था। अनुज इज अ गुड बॉय, ही लाइक्स टू रीड बुक्स, उसको बुक पढ़ना पसंद है एंड कॉमिक्स, मतलब बुक्स तो उसको पढ़ना पसंद है एंड कॉमिक्स बुक उनको पसंद है। ही गोज टू, एंड से हम लोग जुड़े कॉमिक को। ही गोज टू स्कूल एवरी डे एंड ही ऑल्सो प्ले विथ हिज फ्रेंड, मतलब वो हर रोज स्कूल जाता है एंड ही ऑल्सो प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, एंड वो क्या करते हैं फ्रेंड्स के साथ खेलते भी हैं, खेल कूद करते हैं। हिज टीचर टोल्ड हिम टू रीड अ स्टोरी, उनके टीचर जो उनको बोले एक स्टोरी रीड करने के लिए एंड ड्रॉ अ पिक्चर, पिक्चर भी ड्रॉ करने के लिए टीचर बोले। ही वेंट होम बट फॉरगेट हिज बैग इन स्कूल, वो क्या किए कि होम घर आ गए बट अपनी बैग जो है वो भूल गया। सो बट यूज किए हम उस पोजिशन में, बट forgot his bag in school, स्कूल में भूल के छोड़ के आ गए। He asked mother if he should go back to school for the bag or get it the next day, मामा को फिर पूछी कि मामा हम फिर से स्कूल जाए और गेट इट द नेक्स्ट मॉर्निंग, नहीं तो नेक्स्ट दिन सुबह हम इनको ले लेंगे, ऐसे करके मामा से पूछे। सो हम लोग उस पोजीशन में और यूज करेंगे। मदर टोल्ड हिम टू से सॉरी टू द टीचर, मदर बोले कि आप फिर आपके टीचर को जाके सॉरी बोलना एंड डू हिज वर्क द नेक्स्ट डे, मतलब आज तो आप बैग नहीं लाए फिर आप मत जाइए, कल मॉर्निंग में जाके आप बैग लीजिए एंड आपका होमवर्क जो हुआ नहीं उसके लिए टीचर को सॉरी बोलिएगा एंड आप बोलिए कि नेक्स्ट डे में आप आपका उनका होमवर्क आप करके देंगे। द पीकॉक इज थर्ड नंबर स्टोरी, सोचिए कि छोटे छोटे एक स्टोरी हैं। द पीकॉक इज अ ब्यूटिफुल बर्ड, इट फील्स हैप्पी एंड डांस
when there are clouds. पीकॉक जो है वो तो दिखने में बहुत सुंदर है, सबको पता है पीकॉक हमारे क्या है नेशनल बर्ड है, और बहुत सुंदर है, बहुत कलरफुल, ब्राइट और बहुत बड़ा भी है ना साइज में। कभी भी आप देखिए, हम लोग टीवी में देखते हैं, बुक में भी उनके पिक्चर देखते हैं, क्योंकि वो अपना नेशनल बर्ड है इसलिए। तो पीकॉक जो है ना जब क्लाउड देखते हैं तो खूब मस्ती से डांस करते हैं, उनको लगता है कि अभी हवा खिलेगा, फिर बारिश होगा, क्लाउड आने के बाद बारिश भी होती है ना, तो पीकॉक को एनिमल्स बर्ड्स सबको ही अच्छा लगता है ये फीलिंग जब बारिश होते हैं। तो शायद वही सोच के पीकॉक क्या करते हैं, डांस करते हैं। सो हैप्पी एंड डांस व्हेन देयर आर क्लाउड्स, जहाँ वो क्लाउड देखते हैं, बादल देखते हैं। इट कैन बी सीन मोर इन विलेजेस, मतलब इनको गांव में ज़्यादा देखा जाता है, एंड स्मॉल टाउन, छोटे टाउन में, क्योंकि ज़्यादा चहल पहल, ज़्यादा व्हीकल्स की साउंड इन लोग को उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सब वाइल्ड है, ये सब जंगल में रहना पसंद करते इसलिए। बट नॉट मीनी बट टाउन नॉट मीनी कैन बी सी फाउंड इन द बट नॉट मीनी कैन बी फाउंड इन सिटीज बट लेकिन इसको सिटीज में ज़्यादा नहीं देखा जाता है। चिल्ड्रन क्लैप एंड जंप व्हेन इट डांस, जो बच्चे हैं ये लोग क्या करते हैं, क्लैप करते हैं, जंप करते हैं, क्योंकि जब ये देखिए ये पीकॉक हैं, और पीकॉक को जब गांव में जैसे जहाँ थोड़ा सा फॉरेस्ट है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा झाड़ियाँ हैं, वो सबके अंदर पीकॉक रहते हैं, और कहाँ स्मॉल टाउन में, बड़े सिटीज में ज़्यादा इनको दिखाई नहीं देते हैं। और चिल्ड्रेन उधर जहाँ रहते हैं, मोर को देखते हैं, पीकॉक को देखते हैं, तब पीकॉक जब डांस करते हैं तब बच्चे क्या करते हैं, क्लैप एंड जंप, मतलब खुशी हो के बच्चे भी डांस करने लगते हैं, क्लैप करने लगते हैं, शाउट करते हैं, ऐसे करते हैं। तो हम लोग मेन इस चैप्टर का मेन जो मोटो है कि हम लोग कैसे एंड का यूज़ किए, और का यूज़ किए, बट का यूज़ किए, आपको सेंटेंस को समझ के उस जगह में हम लोग को एंड नहीं तो बट नहीं तो और यूज करेंगे। ओके, सो रीड केयरफुली, अभी थोड़ा ही हम लोग को चैप्टर रिमेनिंग रह गए, आफ्टर दैट हम लोग सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर को रिवीजन भी आप लोग को करेंगे। तो अभी से आप लोग रीड करोगे तो नेक्स्ट जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो आप लोग को ये सब और अच्छे से क्लियर आउट होते जाएगा। ओके, बाय बाय।